सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है इस वीडियो दे विच। अज असी सत्तवीं जमात भूगोल का तीजा पाठ करांगे, वायुमंडल अते तापमान। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ द 7th क्लास SST एटमोसफेयर एंड टैंपरेचर। शुरू करते हैं जी। धरती के आले दुआले हवा का गिलाफ है, इस नाल धरती दे जीवन संभव है। यह 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिन्हों असी वायुमंडल आखते हैं। ठीक है जी। 99% जो हवा है 32 किलोमीटर के घेरे में आती है। कहिंदा 32 किलोमीटर एरिया। हवा, जमीन, पानी मिलके जीव जगत अते रुख पौद्या की उत्पत्ति अते पालन पोषण का कार्य करती है। यानी हवा जो है जमीन ते पानी नाल मिलके जानवरां ते पौद्या का पालन पोषण करती है। वायुमंडल हवा, जल, वाष्प अते धूड़ कणा तो बनता है। नाइट्रोजन अते ऑक्सीजन 99% है, बाकी गैसा 1% हैं। जे ऑक्सीजन की गल करा 20.99% है। आर्गन 0.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। हाइड्रोजन 0.01% है। उदे बाद आंदा है विद्यार्थी संवहन। कहिंदे कि जो हवा गर्म हुंदी है तां फैलदी है अते हल्की होके उपर उठना शुरू करती है। ठंडी हवा भारी होने करके थले बैठ जाती है। गर्म हवा उपर उठती है तो ठंडी हवा उसकी थां लैंदी है। इनू कहिंदे आ संवहन, जिनू असी कन्वैक्शन कहिंदे आ। यानी हॉट एयर मूव अपवर्ड एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय द डेंस एंड द कोल्ड एयर। इस वजह नाल जो टैंपरेचर है वो चेंज करता है। वायुमंडल विचली इस बनावटी स्थूलता नूं हवा का प्रदूषण कहिंदे आ। हुण प्रदूषण की गल है कि जदों हवा दे विच बेलोड़े तत्थ मिल जाते हैं तो हवा का प्रदूषण होंदे आ। इहदे विच गैसा ते ठोस पदार्थ होंदे आ, जिदा मोटर गड्डियां का धूआं, उहदे विच कार्बन मोनोआक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैसा होंदिया हन। तो इस तरह गै द जो तुहाडा वायुमंडल है उहदे विच बेलोड़े पदार्थ जदों मिल जाते हैं तो प्रदूषण करते हैं। ठीक है जी। अजकल जो स्मोग है इहदे विच धुंद ते धूआं आ जांदा है, यानी स्मोक प्लस फोग, ये तुहाडा स्मोग बनाते हैं। ठीक है जी। वायुमंडल दे भाग, वायुमंडल दे विच पहले आंदा जी अशांति मंडल, जिहनूं असीं ट्रोफोस्फेयर कहिंदे आ। इह सब तों हेठली परत है अते वर्गा आकार हुंदा है, अंडे दे वर्गा है इहदा आकार। 12 किलोमीटर इहदी हाइट है। भूमध रेखा उत्ते 16 तों 18 किलोमीटर उच्चा, ध्रुवां ते 6 तों 8 किलोमीटर तक उच्चा है। मीह, हनेरी, बदल, तूफान इस तह विच वापरदे हन, यानी बदल भी तह जांदे हैं। उपर जाण नाल जे इहदी जो अशांति मंडल ट्रोफोस्फेयर तों उपर जाइए तो तापमान घटेगा। 5 तों 6 डिग्री सेंटीग्रेड हरेक किलोमीटर के हिसाब न घटता है। 75% जो हवा है इस परत में पाई जाती है। उसके बाद आता है जी समताप मंडल, जिन्हें स्ट्रैटोस्फेयर कहते हैं। भूमध रेखा की ऊंचाई 15 किलोमीटर, 60 डिग्री विकार उत्ते 10 किलोमीटर तो शुरू होती है। घट घनता वाली हवा, नीवा पर बराबर बनया रहन वाला तापमान अते बदलों की अनहोद, मतलब आकाश इत्थे साफ रहिंदा है, यानी इस जगह ते बदल घट हुंदे आ। 50 तों 55 किलोमीटर तक यह फैलिया है, क्योंकि तुहानूं दस्सिया है कि जो संताप मंडल विच बदल घट आउंदे आ, इसलिए हवाई जहाज उडाण लई वधिया है। जिन्ने भी हवाई जहाज है इस मंडल दे विच उड़दे आ। ठीक है जी।
ओजोन गैस O3 सूरज तो आने वालियां परवैंगनी यूवी किरणां नूं रोकदी है, यानी इहदे विच ओजोन दी लेयर हुंदी है, ओजोन लेयर। अगला मंडल आंदा जी मध्यवर्ती, इहनूं मीजोस्फीयर कहिंदे है। समताप मंडल दी उतली वायुमंडल दी परत नूं मध्यवर्ती मंडल आखदे है, यानी मीजोस्फीयर। इह 50 तों 80 किलोमीटर तक है। इस परत विच तापमान घटदा है। वायुमंडल जो 80 किलोमीटर ते -90 डिग्री तक हो जाता है, यानी तो तापमान घटता है। चौथी ये सब तो आखिरी लेयर आती है जी थर्मोस्फीयर, इन्हें तापमंडल कहते हैं। इस बच्चे जो तापमान बदना शुरू होता है, गैसा की मात्रा घट हो जाती है। 100 तो 300 किलोमीटर तक बिजली अणु भी पाए जाते हैं। रेडियो तरंगा ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਾਪਮੰਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਅਪਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤਾਪਮੰਡਲ, ਫਿਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ, ਸੰਤਾਪ ਮੰਡਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। तो इस तरीके नाल जो वायुमंडल साडा एटमोसफेयर है उहदे चार भाग हुंदे है। उहदे बाद विद्यार्थियों असीं पढ़ांगे तापमान बारे, जिहनूं टैंपरेचर भी आखदे है। हवा विच गर्मी दी मात्रा नूं तापमान कहिंदे है। धरती नूं तापमान देण वाले सिर्फ दो ही सोमे हन, सूरज अते धरती दा अंतरी भी। इन्हां विचों सूरज दी महत्ता वधे रही है, यानी एक तो सूरज है, एक धरती के अंदरली गर्मी है, दोनों वजह नाल धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान थर्मामीटर राही मापे जाता है। इसनों सेल्सियस अते फारनहीट स्केल दे विच मापदे है, ठीक है जी। सेल्सियस नूं सी डिग्री ते फारनहीट नूं एफ दे नाल दर्शांदे है। तापमान ते असर किहड़े कारक पाउंदे है? फैक्टर अफेक्टिंग टैंपरेचर स्टूडेंट्स, भूमध रेखा तो दूरी। भूमध रेखा तो दूर जाना तापमान घटता है, इसलिए जिहड़े भूमध रेखा दे नेड़े खेतर है, जिहड़ा मध्य प्रदेश आ गया MP, उत्थे तापमान जो है ज़्यादा होएगा। जिहड़े तो दूर जाणगे उत्थे तापमान घटेगा, जिहड़े भूमध रेखा ते नेड़े आणगे तापमान वधेगा। कि भूमध रेखा ते सूरज दीआं किरणां सिधियां पैंदियां, ठीक है विद्यार्थी, सिधियां पैण दे नाल तापमान वधदा है। दूसरा कारण है समुद्र तल तो ऊंचाई। ऊंचाई ते जाना तापमान घटता, जिदा उच्चे जावे तापमान घटेगा। सो समुद्र तल तो जिहड़े खेत्र नीवे है उन्हां दा तापमान ज्यादा होएगा, जिहड़े उपर है तापमान घटेगा। समुद्र तो दूरी, समुद्र दे नेड़े थावां ते तापमान औसत रहिंदा है, यानी एवरेज। धरातल दे मुकाबले पानी देरी नाल गर्म अते देरी नाल ठंडा हुंदा है। जल ते थल समीर बणदे, पहले तुहानूं शॉर्ट वीडियो च तुसीं देख लिया होएगा जल ते थल समीर। सो पानी जो है वह गर्म होने भी टाइम लगता है, ठंडा होने भी टाइम लगता है, इसलिए समुद्र के नेड़े तेरे खेतरां दे विच तापमान एवरेज रहिंदा है। अगला कारण है धरती की सतह की किस्म। ज्यादातर संघने जंगलों से तापमान ज्यादा नहीं बढ़ता। ढलाना का रुख, ढलाना किधर होंगी है? ढलाना के समुद्र वाले होने तो तापमान घटेगा, जो परे होने तापमान बढ़ेगा। छेवां कारण है जी बदला बारी ते बरखा, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन यानी रेनिंग। बरखा होएगी तापमान घटेगा। जे रात नूं बदल हुंदे आ ते रात गर्म हुंदी है, दिन ठंडे हुंदे आ। जे दिन नूं बदल हुंदे आ रात बरखा हो जाती है, दिन गर्म हुंदे आ रात ठंडी हुंदी है। समुंदरी तरावा समुंदर तो जो उठते ज्वार भाटा है वह भी तापमान नूं घट वध करदे आ। सो इन्हां कारणां दे कारण तापमान जो है घटदा बढ़दा रहिंदा है। सो ये सी जी पाठ 13वां तीजा 7वीं क्लास जियोग्राफी का। मैनु उम्मीद है तुसीं इहदे विच वायुमंडल दी परतां, तापमान ते इस नूं प्रभाव करन वाले तत्तां बारे पढ़िया होएगा। ते अगले वीडियो दे विच असीं चौथा पाठ करांगे महासागरां ओशियन दे बारे। तो जे वीडियो चंगा लग्या होए तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लेना, बैल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो तुहानूं मिल सकन। सारे विद्यार्थियों बेस्ट ऑफ लक, टेट प्रेपरेशन
स्पेशली असं इस बार SST की करवा रहे हैं। साइंस विषय की भी प्रैपरेशन ले तुसी नोट्स ली कंटैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।